उत्साह की बात यह है कि अभी जहाँ जहाँ भी हम गए कि नफरत का नाश और मानवता का विकास, तो हर एक लेडी के दिल में यही बातें हैं कि उसकी इज्जत सेफ नहीं है, उसकी बेटी गैर महफूज है, क्योंकि जो ये नफरत जो है ये पूरे देश में फैली हुई है, हमारे कोई चीज़ महफूज नहीं है, तो इसको कैसे हम सेफ करें। हम जहाँ भी गए हमको यही पैगाम मिला कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप हमको बताइए हमारा क्या योगदान इसमें हो सकता है। आप मुस्लिम, जाहिर सी बात है अब देश में नफरत है तो वो तो पार्टीशन है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो पार्टीशन की वजह से जो काम में रुकावट ज़रूर बन रही है, लेकिन हम जब उनके पास जाते हैं और मोहब्बत से उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि हमारी समस्या और आपकी समस्या दोनों सेम है, और दोनों मिलकर अगर समाज और सोसाइटी के लिए बेहतर बनाने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो क्यों नहीं एक होते। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिनों से एक फोर्टनाइट से प्रोग्राम चल रहे हैं, नफरत का विनाश और मानवता का विकास। हिंदुस्तान को विकास की आवश्यकता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर तरह के विकास की आवश्यकता है। इसके लिए बात ज़रूरी है कि हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, 29 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से कल्चर हैं, बहुत से धर्म हैं, नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत कैसे पैदा होती है? जब कोई भ्रांति होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो उनसे नफरत पैदा होती है। तो ये पिछले दो हफ्ते आपको बताया गया कि ये मानवता के विकास की बात है, यानी लोगों के अंदर इंसानियत या ह्यूमैनिटी इसको बढ़ाने की बात है। हम ऐसा समझते हैं कि कोई भी समाज जो है वो इंडिविजुअल से व्यक्तिगत उससे बनता है। अगर इंसानों के दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत या घृणा की भावना हो तो वो समाज जो है वो इंसानी समाज, मानव समाज कहलाने के। इंसानों को बताया जाए कि ये पूरी दुनिया एक माँ और एक बाप से पैदा हुई है, और सभी धर्मों में इसका जिक्र किया गया है कि पूरी दुनिया एक और माँ और बाप की है, उस हिसाब से हम सब आपस में भाई भाई हैं। अगर इंसान इस विचार को लेकर चले, और ईश्वर भी यही चाहता है कि इंसान इस विचार को लेकर इस दुनिया में रहे, तो अगर मेरा भाई, हर इंसान मेरा भाई और मेरी बहन है, इस विचार को हम लेकर चलेंगे तो कोई भाई फिर किसी भाई को धोखा नहीं देगा। हमने जब इस प्रोग्राम की प्लानिंग की शुरुआत की थी तो उस वक्त हमने जो है वो 4 महीने पहले इसकी मीटिंग ली थी कि क्या किया जाए, और ये हमारा जो 4 ईयर्स का हमारा प्लान होता है पूरे मुंबई में क्या काम होना चाहिए। पूरे मुंबई में हमारे 25 शाखाएं हैं, तो 25 शाखाओं के हेड होने के नाते से हम लोग सबसे ये लेते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और 4 साल का प्लान भी बनाते हैं। तो उस दौरान हमने ये सोचा था कि साल का जो आखिरी हमारा साल होगा, जो हमारा आखिरी साल है, अभी अप्रैल में हमारा टर्म चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे।